जुनून ऐसा कि एक दिन में 700 किलोमीटर बाइक चलाना, 200-300 किलोमीटर पर रुकना, चाय पीना और फिर चल देना। ऐसे हमारे एक राइडिंग करने वाले यूट्यूबर मिल गए हैं, अभी निकल रहे थे, इन्होंने देखा रोक लिया। ये आप मोटरसाइकिल इनकी देख रहे हैं, इस मोटरसाइकिल से नेपाल की यात्रा इन्होंने किया, गाजीपुर से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, आगरा, राजस्थान और शिमला, हिमाचल, उत्तरांचल सब घूम डाले, कई सौ किलोमीटर की यात्रा और लगातार मिशन पर लगे हुए हैं। भैया मेहनत तो हर काम में है, कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें कठिन परिश्रम और कंपटीशन से ना गुजरना हो। चलिए हम मिल गए हैं, हम मिल गए हमारे साथ परवेज। परवेज आपका यूट्यूब चैनल है जी, किस नाम से है? एपी मोटर राइडर नाम से है। एपी मोटर राइडर, राइडर तो राइडिंग करते हैं और इन्हें राइडर बोलते हैं। ये कौन सी मोटरसाइकिल है? ये KTM ड्यूक 250, इसको मतलब कितने में आती है? ये लगभग 2,40,000 की इस टाइम आ रही है। 2,40,000 की आ रही है, 4,500 में अभी हमने साइकिल लिया है। चलिए है, यूट्यूबर मैं भी हूँ, यूट्यूबर अलग अलग क्षेत्र है और इस क्षेत्र में भी लोग देखना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं अलग अलग जगहों की सड़कें, अलग जगह का प्राकृतिक पर्यावरण, लोगों को देखना चाहते हैं, महल अट्टालिकाओं को देखना चाहते हैं। तो परवेज अभी आप GoPro कैमरा का प्रयोग करते हैं हेलमेट में लगा करके, और ऐसे भी करते हैं मोबाइल से भी? हाँ, मोबाइल से भी कर लेते हैं और GoPro से भी यूज कर लेते हैं। सबसे लंबी यात्रा कब आपने किया था? सबसे लंबी यात्रा मैंने की थी अभी फिलहाल 5-6 महीने पहले, अक्टूबर में किया था मैंने। यहाँ से मैंने हिमाचल का राइड किया था मैंने। अच्छा, करीब करीब 3500 किलोमीटर की राइड थी, टोटल 7 दिन में हम लोगों ने पूरा किया था। 3500 किलोमीटर 7 दिन में पूरा किया था और गाजीपुर से कई दिन में आगरा पहुंच गए थे। ग्यारह घंटे में 700 किलोमीटर की यात्रा। चलिए हम वैसी यात्रा नहीं कहेंगे लेकिन एक बार चला के दिखाइए। मिल जाते हैं लोग और ये अभी है, देखिए एक अपनी सुरक्षा का ध्यान देते हुए यह भी एक क्षेत्र है, इसे किया जा सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम 2,40,000 की बाइक पर ही यह काम करेंगे, हम यह काम साइकिल पर भी कर सकते हैं, हम यह काम सामान्य सी बाइक पर भी कर सकते हैं। यह कार्य यह है राइडिंग करने वाले परवेज। आ जाओ, बस अब हम इससे अधिक नहीं देखना चाहेंगे, और साइड में करो क्योंकि नहीं, और साइड में यातायात बाधित ना हो। देखिए इस तरह का है भैया, मैं इसकी राय नहीं दूंगा, यह मत कहिएगा कि दुबे जी ने कहा और वीडियो दिखाया फिर हमने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। साइकिल से भी यह काम किया जा सकता है, हेलमेट लगा करके, हेलमेट में GoPro कैमरा, हेलमेट में अन्य कौन से कैमरे लग सकते हैं? और आगे मैं मोबाइल से भी यूज कर लेता हूँ। अच्छा, बाद फिर GoPro हो गया, DSLR भी यूज करता हूँ। DSLR भी यूज करते हो, बड़ा महंगा यह शौक है। 2,20,000 की मोटरसाइकिल और हेलमेट भी अच्छा वाला हेलमेट लिया हो, कितने का हेलमेट है? ये आता है मार्केट में करीब 1500 का आता है। अच्छा, इसमें मैंने ब्लूटूथ भी लगा लिया क्योंकि अगर फोन आएगा राइडिंग के दौरान तो आप बात कर सकते हो हेलमेट में। अच्छा, बस हरते बात ना किया जाए, यही ठीक है। यही ठीक है या फिर रुक करके बात रुक के बात करते हैं, रुक जाते हैं, उसके बाद मोबाइल निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप बात कर लेते हो इसी हेलमेट के। तो हिमाचल तो काफी अच्छा लगा होगा? बहुत बढ़िया जगह, बहुत अच्छा लगा, पर्यावरण बहुत अच्छा वहाँ शिमला और सब। अच्छा एक चीज बताओ, वहाँ कभी वाहन तो पहाड़ी एरिया में चलाए नहीं हो, फिर वहाँ कैसे चलाने में, कैसे सर्पिलाकार रास्ता पहाड़ों से कट करके सीख लिए? इसे पहले नेपाल था मेरा राइड, बाद में हिमाचल में नहीं गया था। अच्छा, तो थोड़ा इसे शुरू में गए थे तो थोड़ा डर लग रहा था कि काफी गहराई है, खाई है, गिरेंगे तो बहुत ज्यादा मतलब बचने का उम्मीद नहीं है। धीरे धीरे सीखते सीखते अब यह है कि कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब हम चला सकते हैं गाड़ी, चला सकते हैं, चला लेते हैं। कितनी स्पीड से चलाते हो? अगर सीधा रोड रहता है, मान लीजिए खाली रोड है, तो मान लीजिए मेरा टॉप स्पीड अभी तक 150 तक मैंने चलाया गाड़ी, 150 तक। यह राय मैं नहीं दूंगा, कम करके भी चलाया जा सकता है। अच्छा एक चीज बताओ, खतरा मुक्त, जैसे दुर्घटना मुक्त अगर वाहन चलाना हो तो किस स्पीड में? इससे 100
ठीक है, 80-100 80 से अधिक नहीं चला, हम नहीं ऐसा ही चलाते, क्रूज करते हैं हम लोग ना। क्रूजिंग में क्या है कि आप 80-100 चलाओ, आराम से मन भी शांत रहेगा, आराम से। अच्छा, मन भी शांत रहेगा तेज चलाने पे। तो और भी देखिए, बेटियां हमारी हैं और देखिए अभी है प्रगति हो रहा है, हेलमेट बेटी को लगाना चाहिए। मुझे भी लोग टोकते हैं, भैया मैं शीघ्र ही हेलमेट ले लूँगा और बैग में लेके चलूँगा, क्या करूँगा, क्योंकि सबको टोकता हूँ तो मुझे भी लोग टोकेंगे ही। तो ऐसी स्थिति में हेलमेट ले रहा हूँ, बैग में रखूँगा, और जहाँ कभी एक वाहन हमारे पास कोई वाहन है नहीं, कोई मोटरसाइकिल नहीं है, ऐसे में कभी यहाँ से वहाँ किसी मोटरसाइकिल पर, वहाँ से वहाँ किसी के साथ, वहाँ से वहाँ किसी के साथ, और कहीं दूसरे प्रदेश में गया तो किसी और के साथ, तो ऐसे में लेकर के दिक्कत होती है, लेकिन मैं देकर लेकर के चलूँगा उसको। अभी अगली यात्रा कहाँ की है? अगली यात्रा है वहाँ की, जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख। लेह लद्दाख हर बाइकर का सपना होता है। अच्छा, कि वहाँ जाना है, हर राइडिंग करने वाले का यह सपना, सपना होता है कि हम लेह लद्दाख में जाएं। वहाँ तो बड़ी ठंड है, बर्फ और, लेकिन उत्साह से लबरेज हो के जाओगे एकदम एकदम। अच्छा, और भी दोस्त हैं जो एक दोस्त है मेरा, यहाँ पे क्या है कि गांव है, यहाँ पे लोग ये सब गाड़ी उड़ी का मतलब नहीं सोचते हैं कि इतना दूर कौन जाएगा, साथ नहीं देता है। पहली बार तो मैं अकेले ही चला गया था आगरा। अच्छा। ना कोई एक्सपीरियंस था ना कुछ था, मैं ऐसे ही निकल गया था, पता चला घर वाले भी नहीं जानते, घर वाले से बोल गया था बस से जा रहा हूँ। हाँ। जब मैं शाम को पहुंचा तो भैया लोगों को पता चला कि मैं बाइक से निकला हूँ। अरे, मैं पहुंच गया, बहुत ऐसे मेरे को भी लगा कि मैंने कुछ ज्यादा ही खतरा मोल ले लिया है। बट दूसरी बार मैं गया तो एक दोस्त साथ दिया कि हम भी चलेंगे अब। अच्छा, राइड करेंगे, तो वही साथ है तो उसके साथ निकल। तो एक ही मोटरसाइकिल से दोनों लोग गए कि अलग अलग गए? नहीं, अलग अलग, उसकी बाइक। बड़ा खर्च आया जी। हाँ, अब नेपाल में लगभग 3,000 का पेट्रोल लगा था। अच्छा, अब तक कितना 100 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हो? लगभग 15,000 से 20,000 तक लगभग। अच्छा, किलोमीटर इतना, 22,000 मेरी गाड़ी चली है, 23,000 22,000 चली है। मैं इसको चलाता हूँ, लोकल में थोड़ा बहुत चलता हूँ। अच्छा, दोस्त वाली कौन सी बाइक है वो? जो वो मतलब वो है KTM ड्यूक 390, इससे थोड़ी सी महंगी आती है, लगभग 60-70 हज़ार रुपये महंगी। तो मतलब लगभग 3 लाख हो गया उसका, लगभग 3 लाख। यह है परवेज और यह राइडिंग करते हैं, बड़ा जुनून है। क्या लग रहा है कि इस क्षेत्र में भी संभावनाएं हैं कि अगर जैसे नौकरी नहीं मिली, व्यवसाय, इसको भी व्यवसाय मान करके किया जा सकता है? हाँ, आप कर सकते हो। क्या है कि पहले तो मैंने सोचा था कि नहीं, इससे कुछ कमाई होगी चाहे नहीं होगी। हाँ। लेकिन एक जुनून है, इसको को लोगों को दिखाना चाहिए, तो बस ये सोच के मैंने किया था। ये नहीं सोच के चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सोच मैंने कुछ नहीं रखा। एक बार इनकी बाइक दिखाते हैं, एक बार देखिए, कुछ बताओ बाइक के बारे में, इधर आ जाओ। बाइक के बारे में, हाँ, जैसे क्या है, अन्य बाइक से अलग क्या है इसमें? मैं बता दे रहा हूँ, ये दो KTM की बाइक है, जो ऑस्ट्रिया की मतलब है कंपनी है। हाँ। बजाज इसका मैन्युफैक्चर करता है पुणे में। और ये गाड़ी है 250 cc की, इसमें 250 cc का इंजन लगा है, और ये 8 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ लेती है। 8 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ लेती है। इसमें मतलब जो कार में लगता है रेडिएटर, उसमें ये लगा है कि इसे गर्म होगी गाड़ी तो आप लिक्विड से ठंडा हो जाएगा। अच्छा, तो बहुत सारे फीचर्स है इसमें कि आपका एवरेज कितनी गाड़ी के दे रहा है, कितना दूर चलेगा आपकी गाड़ी, जितना पेट्रोल है, लगभग सब इसमें फीचर्स दे देता है, और मतलब पूरा फुल पैकेज है दाम के हिसाब। अच्छा, अगर संतुलन नहीं बना के चला आदमी तो किस हॉस्पिटल में जाएगा? ये तो नहीं बता सकते, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी ना। यही वह सत्य है दोस्तों, जिसको मैं बताना चाह रहा था। फिर मैं विनम्रता के साथ अनुरोध करूंगा कि संतुलन बना करके फिर आपको लगेगा। ऐसे तमाम अभावग्रस्त यूट्यूबर हमारे पास आते हैं, बच्चे जिनको देखकर तरस आता है। मेरे पास भी वह नहीं है, लेकिन मैं चिंता करता हूं कि जो आता है कम से कम उसका किराया भाड़ा अगर बाइक से आ रहा है तो कुछ ईंधन, ऐसा मैं चिंता करता हूं, ऐसा करने का प्रयास भी करता हूं। और भी कह रहा हूं, जो भी इस तरह के यूट्यूबर करना चाहेंगे तो मैं छोटी मोटी सहायता उनकी कर सकता हूं, परमात्मा मुझे दे रहा है। अभी एक दिन एक सज्जन का फोन आया, तो उन्होंने बड़ा उल्टा सीधा बोला कि आप हमेशा भाजपा के खिलाफ करते हैं, हिंदुत्व के खिलाफ। मैंने देर तक उनको समझाया, तो अंत में कहा पैसा कमाने के लिए आप कर रहे हैं। हमने कहा मत देखो भैया, दो पैसा मिलेगा आप देखोगे। तो इस तरह के लोग भी आते हैं। मैं ऐसे तमाम अभावग्रस्त जो ऐसे यूट्यूबर हैं उनसे कहना चाहूँगा, आपको भी अगर कहीं जाना होगा, आप सच में मेहनत कर रहे हैं, तो किराया भाड़ा की चिंता मैं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारी जो सीमाएँ हैं आप बताइएगा, उतना मैं करूँगा। अगर आपको कहीं जाना हो, आरक्षण कराना हो, मैं करूँगा, लेकिन मेहनत। परवेज, अब फिर मैं उस विषय पर आ रहा हूँ जिस विषय पर आप काम कर रहे हो, उस बारे में पूरी जानकारी। जैसे शिमला आप जा रहे हो, शिमला के हिस्टोरिकल प्लेस कौन से हैं, धार्मिक प्लेस कौन से हैं, डायरी मेंटेन करना, उसके बारे में पूरी जानकारी रखना, ऐसा करना पड़ेगा। जी, जी। अभी तक अगर नहीं किए हो
तो आगे से यह करना पड़ेगा, यह दिखाना कि हम बाइक चला रहे हैं स्टंट और यह सब एक चीज है, लेकिन दूसरा विषय यह है कि हम स्वयं संतुष्ट हों और सामने वाले को भी हम संतुष्ट करें। तो यह आज के दिन मुझे अनुरोध ज्ञापित करना था। यह भी है, अगर एक साइकिल हम ले लेंगे तो साइकिल से भी हम राइडिंग कर सकते हैं, साइकिल से भी हम दिखा सकते हैं। 20 किलोमीटर तो मैं ही 20-22 किलोमीटर चलाता था, अभी नई बाइसाइकिल लिया हूँ 4500 की, तो एक दिन 6-7 किलोमीटर उससे भी चलाया, धीरे धीरे कर लूँगा। तो बेरोजगारी से बचने के अभी तरीके हैं, बशर्ते पढ़ना लिखना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। बगैर कंपटीशन के कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो खाली खाली आपको मिल जाए। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से, आज परवेज के साथ। चैनल का नाम एपी मोटो राइडर यह है। तो परवेज से अगर कुछ पूछना चाहेंगे, अपना कोई मोबाइल नंबर बताओगे? मेरा नंबर याद है बताओ। 7275 कोई बात नहीं, हिंदी में बोल दूं मैं? हाँ, हिंदी में, अंग्रेजी में कुछ भी बोलो। 7277 9766 यह इनका नंबर है और इनसे बातचीत करते हैं। बसरते भैया, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है? यह बात हमेशा ध्यान रखना। धन्यवाद विनम्र भाव से सभी देश विदेश से जुड़े हुए जो लोग भी हैं, सज्जन शक्तियाँ हम लोगों को देखते हैं, सभी को विनम्र भाव से सादर नमस्कार हम दोनों का। धन्यवाद।